हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रोहित शर्मा गणपति डेंटल क्लिनिक से, और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेंटल ब्रेसेस। आप जब भी कभी डेंटल ब्रेसेस के बारे में पढ़ोगे या आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर कई सारे तरीके के बारे में, ब्रेसेस के बारे में आपको बताएगा, और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो सकता है कि आप कौन से तरीके का ब्रेसेस लगवाएं। तो इसी टॉपिक को सिंप्लीफाई करने के लिए आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपकी मदद करूँगा। बेसिकली मार्केट के अंदर बहुत सारे टाइप्स के डेंटल ब्रेसेस अवेलेबल हैं, जैसे मेटल, सिरेमिक, सेल्फ लाइगेटिंग, लिंगवल या इन्वेजलाइन। लेकिन इन सारे ही टाइप ऑफ ब्रेसेस का एक ही काम है, आपके टीथ को अलाइन करना, ठीक करना और आपकी स्माइल को सुंदर बनाना। एक एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे फ़ोन अवेलेबल हैं, एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है, एंड्रॉयड के भी हजारों फोन टाइप ऑफ फ़ोन अवेलेबल हैं। अलग अलग मेमोरी के साथ आते हैं, अलग अलग कंपनी के साथ आते हैं। 5,000 रुपये से लेके आपको 1.5 लाख तक के फ़ोन मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। लेकिन आप कौन सा लेंगे, आपके जिस चीज़ की आपकी प्रायोरिटी होगी उसको ध्यान में रखते वक्त आप फ़ोन सिलेक्ट करते हैं। जैसे किसी को कैमरे की प्रायोरिटी है तो हो सकता है वो कोई किसी दूसरे टाइप का फ़ोन ले, किसी को गेमिंग करनी है तो वो दूसरे टाइप का फ़ोन ले, और मेन बात तो पॉकेट की भी होती है। हम हर किसी की पॉकेट अलग अलग होती है, तो उसको भी ध्यान करके आप अपना फ़ोन सिलेक्ट करते हैं। तो सेम वे में हमारे जो मेटल ब्रेसेस हैं, इन सब का काम आपके दांत को अलाइन करना है। लेकिन आप अपनी पॉकेट को देखते हुए, कंफर्ट को देखते हुए और आपकी इच्छा को देखते हुए आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो ब्रेसेस का टाइप है वो है मेटल ब्रेसेस। मेटल ब्रेसेस काफ़ी ट्रेडिशनल ब्रेसेस है। ब्रेसेस वर्ड आपके माइंड में आते ही आपको यही इमेज आएगी। आपने अपने फ्रेंड्स में लगे हुए देखे होंगे मेटल कलर के तार माउथ के अंदर। ये बेसिकली ये सदियों से लगे आ रहे हैं, आज 100 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे मेटल ब्रेसेस को चलते हुए, और ये परफेक्टली वर्क कर रहे हैं, इनमें कोई दिक्कत नहीं आई है। बस इसका एक ही डिसएडवांटेज है कि ये दिखते हैं, आप जरा सा भी स्माइल करेंगे तो ये विजिबल होंगे। सेकंड टाइप है सिरेमिक ब्रेसेस, यानी ये दांत के कलर के ब्रेसेस होते हैं। ये अगर आप थोड़ी सी दूर पे आप पे कोई पर्सन है तो शायद इतना अच्छे से रिकॉग्नाइज इनको ना कर पाए। मेटल और सिरेमिक ब्रेसेस पे एक ही फ़र्क है कलर का। दूसरा लेकिन इसका जो मेन फ़र्क है वो ये, मेटल ब्रेसेस से कंपैरिजन में थोड़े से मोटे होते हैं, और इनका जो टाइम पीरियड है, अगर मेटल ब्रेसेस के अंदर 1 साल आपको ठीक होने का लगेगा तो इसमें 1 साल 2 महीने लगेंगे। 2-3 महीने ये आपके ट्रीटमेंट टाइम को इनक्रीज कर देंगे, क्योंकि ये थोड़े से स्लो एक्ट करते हैं। पर अगर आपके लिए अपीयरेंस मैटर करती है तो आप इस सिरेमिक ब्रेसेस के टूवर्ड्स जा सकते हैं। थर्ड टाइप है सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स। ये भी 2 तरीके के हो सकते हैं, मेटल के और सिरेमिक के। सेल्फ लाइगेटिंग का मतलब है अपने आप दरवाजे बंद हो जाना। जो हमारे पहले जो ब्रैकेट्स थे, यानी मेटल ब्रेसेस और सिरेमिक ब्रेसेस, उसके अंदर वायर को होल्ड करने के लिए हम रबर्स लगाते हैं, वायर उसके अराउंड टाई करते हैं ताकि वायर उसके ब्रैकेट के अंदर इन प्लेस रहे और वो एक्ट कर सके। इसमें क्या है कि इसमें दरवाजे लगे। ये न्यूअर टेक्नोलॉजी है और ये जाहिर सी बात है न्यू है, तो मेटल ब्रेसेस सिरेमिक ब्रेसेस से थोड़ी सी बेहतर है, पर इट्स हाईली कॉस्टली। तो अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये वाकई काफ़ी अच्छे हैं। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे ये ब्रैकेट न्यू डिज़ाइन के हैं तो मेटल और सिरेमिक जो ब्रैकेट हैं जो पहले आते हैं वो इनसे बेहतर हैं। इनके अंदर नई टेक्नोलॉजी है और उनकी जो कमी थी इसके अंदर वो पूरी कर दी गई है। जो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट हैं इसके रिजल्ट भी बेहतर मिलते हैं हमको, क्योंकि इसमें वायर लॉक हो जाती है, इसके अंदर कुछ कमी रहने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट आपको बाकी ब्रेसेस के मुकाबले ट्रीटमेंट भी जल्दी करके देगा, क्योंकि इसके अंदर मेटल और वायर के बीच के अंदर फ्रिक्शन कम होता है, जिसके कारण टूथ मूवमेंट जल्दी हो पाती है। इन सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट के अंदर रबर यूज़ नहीं होती, तो इसमें रबर को डिसकलर होने की भी टेंशन हमें नहीं होती, इसलिए ज़्यादा एस्थेटिक हैं। एंड और तो और ये सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट भी मेटल और टूथ कलर के आते हैं, और ये आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंगली आप चूज़ कर सकते हैं डेंटिस्ट के पास। पर इन सेल्फ लाइगेटिंग के 2 मेन डिसएडवांटेज भी हैं। पहला, ब्रैकेट के अंदर जो ये दरवाजे लगे हैं, डोर लगा हुआ है, इसकी वजह से ये थोड़े मोटे हो जाते हैं। एंड सेकंड डिसएडवांटेज ये है
कि ये मेटल ब्रेसेस के मुकाबले ये काफ़ी कॉस्टली भी हैं। एंड फिर आते हैं लिंगुअल ब्रेसेस, यानी वो ब्रेसेस जो माउथ के अंदर से लगते हैं, दांत के अंदर से लगते हैं, यानी आप जब स्माइल करेंगे, बात करेंगे, तो अगले आदमी को पता नहीं लगेगा। लेकिन इसका मेन डिसएडवांटेज ये है कि ये पेशेंट जब लगाता है तो उसके लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होता है, क्योंकि तार अंदर की तरफ होता है तो कई बार टंग के ऊपर छाले वगैरह होते रहते हैं। पर ये अपीरेंस जिसके लिए प्राइम फैक्टर है, उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। एंड लास्ट में हमारे जो ब्रेसेस हैं वो इनविजलाइन, ये सबसे न्यू है मार्केट के अंदर। और इसका मतलब क्या है, आपको एक इनविजिबल रिटेनर टाइप की, एक प्लेट टाइप की दी जाएंगे जो आपको वियर करते रहना पड़ेगा, और इसको हर 15 दिन बाद चेंज करना होता है। इसका जो एडवांटेज ये है कि आप इसको उतार सकते हैं, आप इसको वॉश कर सकते हैं, लेकिन यही इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज भी है। अगर आप ये सही से नहीं पहनते, कई बार होगा कि आपको पार्टी पे जाना है, आपने उतार के रख दिए, स्कूल जाना है, उतार के रख दिए, तो उस ये वैसा एक्ट नहीं करेगा जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एक इसका डिसएडवांटेज और ये भी है, ये कॉस्टली होता है। दोस्तों, यही 5 तरीके के ब्रेसेस आपको यहाँ पे इंडिया में या अमेरिका में अवेलेबल हैं। आप अकॉर्डिंगली अपने कंफर्ट को देखते हुए, अपनी प्रायोरिटी को देखते हुए, अपनी पॉकेट को देखते हुए चूज़ कर सकते हैं। अगर आप मेरी माने तो इसमें आपको सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस के ऊपर आप जा सकते हैं, जो ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है और काफ़ी अच्छे भी हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर वॉचिंग अदर यूजफुल वीडियोज़। थैंक यू।